हाल ही में ईरान ने 300 से भी ज़्यादा ड्रोन्स और मिसाइल्स लॉन्च किए हैं ऑन इसराइल। बट क्या कहानी यहाँ से ही शुरू होती है इस सडन अटैक से? जी नहीं। बट क्या कहानी 1 अप्रैल से शुरू होती है जब ऐसा माना जाता है कि सीरिया में जो ईरान का कॉन्सुलेट बिल्डिंग है वहाँ पर अटैक्स हुए थे, जो कि वाइडली नोन है। ऑल्दो इसराइल ने एक्सेप्ट नहीं किया है, बट इट इज़ वाइडली नोन कि दैट अटैक वॉज डन बाय इसराइल। कहानी यहाँ से भी शुरू नहीं होती, कहानी एक्चुअली शुरू होती है 1979 से, और हम धीरे धीरे करके इसी चीज़ को अनफोल्ड करके स्टोरी के फॉर्म में समझने वाले हैं कि व्हाट इज़ द इंटायर रीज़न कि सडन ये इसराइल और ईरान के बीच में टकरार कैसे आ गई, जबकि इसराइल और गाज़ा के बीच में वॉर चल रहा था। सो धीरे धीरे करके देखते हैं, एक एक करके रीज़न को अनफोल्ड करेंगे कि ये पूरा कॉन्फ्लिक्ट का पीछे की बैकग्राउंड स्टोरी क्या रही है। सबसे पहले शुरू करते हैं जो हाल ही में वारदात हुई है उससे। 300 से भी ज़्यादा मिसाइल्स और ड्रोन्स, ये जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये लॉन्च किए हैं ईरान ने ऑन इसराइल। अब ये पूरे दुनिया के लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग और सरप्राइजिंग क्यों था? ये इसलिए शॉकिंग और सरप्राइजिंग था क्योंकि इससे पहले इसराइल और ईरान के बीच में शैडो वॉर्स चलते थे, फुल फ्लेज्ड वॉर्स नहीं होते थे। शैडो वॉर्स क्या होते हैं? शैडो वॉर्स में कंट्रीज आपस में एक दूसरे पर डायरेक्ट अटैक नहीं करती, ये अटैक्स करती हैं थ्रू साइबर अटैक्स या प्रॉक्सी ग्रुप्स। साइबर अटैक्स क्या होता है? ऑनलाइन एक दूसरे की इन्फॉर्मेशन कैप्चर करना, इंटेलिजेंस को हैक करने का ट्राई करना। प्रॉक्सी ग्रुप्स क्या होता है, जिसके लिए ईरान काफ़ी ज़्यादा फेमस है। प्रॉक्सी ग्रुप्स का मतलब होता है छोटे छोटे ग्रुप्स ऑफ मिलिटेंट्स, जिनको हम बोलते हैं, दूसरी कंट्रीज में छोड़ के रखना ताकि अपना जो इफेक्ट होता है या अपना जो वेट होता है अक्रॉस द ग्लोब फैला सके। जैसे ही ईरान इसराइल इमर्ज्ड एज अ सुपर पावर और एक पावरफुल कंट्री बनने लगा, ईरान को ये बात जमी नहीं। बट इससे भी पहले हम बात करते हैं कि ये प्रॉक्सी ग्रुप्स जो कि ईरान ने फैला रखे हैं, ये कहाँ कहाँ पर है। तो ये प्रॉक्सी ग्रुप्स आपको मिल जाएंगे आसपास की ईरान की सारी कंट्रीज़ में। इसलिए इट इज़ फेमसली नोन कि इसराइल ऑल दो ईरान के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता, ईरान और इसराइल में काफ़ी ज़्यादा गैप है अगर आप मैप को देखते हैं तो, बट स्टिल इसराइल फील्स लाइक इट इज़ सराउंडेड बाय ईरान, क्योंकि इसराइल की आसपास की सारी कंट्रीज़ में ईरान ने ये प्रॉक्सी ग्रुप्स छोड़ रखे हैं। जैसे कि येमेन में जो ग्रुप है उनका नाम हूतीज़ है या हाउतीज़ है, वहीं लेबनन जो इसराइल के बगल में ही आता है उसमें जो ये प्रॉक्सी ग्रुप है इनको हिजबुल्ला कहते हैं। इनफैक्ट गाज़ा में जो हमास है, जो अभी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में बने हुए हैं बिकॉज ऑफ देयर अटैक ऑन इसराइल, दैट इज़ ऑल्सो अ प्रॉक्सी ग्रुप जो कि ईरान का सपोर्ट लेता है। इसी के साथ साथ सीरिया और इराक में भी इस तरीके के प्रॉक्सी ग्रुप्स ईरान ने बिठा रखे हैं। तो एक तरीके से ये थ्रू प्रॉक्सी, मतलब इसको बेसिक इंग्लिश में समझे तो जब आप क्लास नहीं जा पाते हैं तो आप अपने किसी दोस्त को बोलते हैं कि प्रॉक्सी अटेंडेंस लगा देना, मतलब आप वहाँ पे एक्चुअली में प्रेजेंट नहीं है बट फिर भी यू आर प्रेजेंट इन द अटेंडेंस। इस तरीके से प्रॉक्सी ग्रुप्स फैला के रखते हैं कि ईरान एक्चुअली में इसराइल के आसपास नहीं है, ईरान की ऑफिशियल मिलिट्री नहीं है, लेकिन ऐसे ग्रुप्स जिनको ईरान फंडिंग देता है, सपोर्ट देता है और डिफेंस से रिलेटेड इक्विपमेंट्स देता है, वो इसराइल के चारों तरफ है। बात शुरू होती है 1979 के इस्लामिक रेवोल्यूशन से। इसके पहले इसराइल और ईरान अलाइज हुआ करते थे या दोस्त हुआ करते थे, लेकिन 1979 में जब इस्लामिक रेवोल्यूशन आया, खास तौर पे ईरान में, वहाँ पे जो एक नए पॉलिटिकल रिजीम आया जिन्होंने पावर चाहा कि वो पावर में आए, उनकी पूरी की पूरी आइडियोलॉजी ही इसराइल को अपोज करने की थी। मतलब फॉर एग्जांपल जैसे श्रीलंका में जब नवंबर में इलेक्शंस हुए थे तो उनने पूरी की पूरी अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, इलेक्शंस जीतने का तरीका जो था उसको ही ये यूज़ किया कि हम इंडिया को अपोज करेंगे। इसी तरीके से ईरान में जो पॉलिटिकल रिजीम इस्टेब्लिश करना चाहते थे, जो पावर में आना चाहते थे, उनने आइडियोलॉजी अपनी जो फैसिलिटेट की और लोगों को बताई वो ये थी कि वी आर डेड अपोजिट टू इसराइल। वहाँ से ये आइडियोलॉजी फैली और उनके हिसाब से, उनकी आइडियोलॉजी के हिसाब से इसराइल एग्जिस्ट करना भी डिजर्व नहीं करता था। दे हेटेड एंड अबोर्ड इसराइल लाइक एनीथिंग। वो इसराइल को बोलते थे लिटिल सेटन, मतलब शैतान, और यूएसए जो कि इसराइल को फुल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, यूएसए को बोलते थे द ग्रेट सेटन। और इन दोनों को उन्होंने वाओ किया था। और साल भर साल जैसे जैसे पॉलिटिकल लीडर्स ईरान में नए आते जा रहे हैं, दे आर फॉलोइंग द सेम प्रोमिस एंड वाओ कि वी आर गोइंग टू डिस्ट्रॉय इसराइल। लेकिन कभी भी फुल फ्लेज्ड वॉर नहीं हुआ, डायरेक्ट इस तरीके के मिसाइल अटैक्स आज तक की हिस्ट्री में ईरान और इसराइल के बीच में नहीं हुए थे।
ईरान का ऐसा कहना है कि हमने फाइनली ये अटैक क्यों किया, क्योंकि इसराइल, ऑल्दो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया बट इट इज़ वाइडली नोन फैक्ट कि इसराइल ने हमारा जो सीरिया में कॉन्सुलेट बिल्डिंग है वहाँ पर अटैक किया, जिसमें 13 सीनियर लीडर्स ऑफ ईरानियन गवर्नमेंट हैव लॉस्ट देयर लाइव्स एंड हैव बीन इंजर्ड, इसलिए फाइनली वी हैव रिटेलिएटेड। यहाँ पे आप अगर ये देखें कि सुपर पावर्स कौन किसको सपोर्ट करता है, तो ईरान इंजॉयज द सपोर्ट ऑफ रशिया, वहीं इसराइल हैज द सपोर्ट ऑफ यूएसए। यूएसए ने बहुत ज़्यादा अमाउंट में इसराइल को सपोर्ट प्रोवाइड किया है इवन इन द वॉर विद गाजा, वहीं ईरान ने बहुत ज़्यादा अमाउंट में रशिया को सपोर्ट प्रोवाइड किया है इन देयर वॉर विद यूक्रेन। धीरे धीरे करके हम डिस्कवर करेंगे कि ये क्यों किया गया है। नेक्स्ट हम ये देखते हैं, जैसे कि मैंने बोला कि बॉर्डर ईरान और इसराइल डायरेक्टली शेयर नहीं करते, एज यू कैन सी हियर इसराइल एकदम लेफ्ट कॉर्नर पे है, वहीं ईरान राइट कॉर्नर पे है और बीच में 4-5 कंट्रीज आती हैं, तो ये डायरेक्ट बॉर्डर शेयर्स नहीं करते। बट यहाँ देखिए, सीरिया में जो मिलिटेंट ग्रुप बैठा है वो ईरान की फंडिंग लेता है, इराक में भी ईरान ने अपने मिलिटेंट ग्रुप को बिठा रखा है, सेम विथ येमन, लेबनन जो इसराइल के जस्ट बगल में है वहाँ पर भी ईरान का ही एक प्रॉक्सी ग्रुप रहता है। तो इस तरीके से ईरान ने ऑलमोस्ट इसराइल को चारों तरफ से घेर रखा है। दिस इज़ द पिक्चर ऑफ द कॉन्सुलेट अटैक जो माना जाता है इसराइल ने करवाया था ऑन 1 अप्रैल ऑन द कॉन्सुलेट ऑफ ईरान, जो कि सीरिया के कैपिटल में था, कैपिटल सिटी ऑफ डेमस्कस। नेक्स्ट अगर हम बात करें मिलिट्री पावर की, तो क्या कल को फुल फ्लेजेड वॉर ब्रेकआउट होता है बिटवीन ईरान एंड इसराइल तो कौन जीतता है? अब देखने को ईरान इज़ अ ह्यूज कंट्री, ईरान की पॉपुलेशन 90 मिलियन से भी ज़्यादा है, वहीं इसराइल की इसकी ऑलमोस्ट हाफ है, बट पॉपुलेशन से हम मिलिट्री पावर को डिटरमाइन नहीं कर सकते। ईरान के पास हालांकि डिफेंस के लिए बहुत ज़्यादा फंडिंग है, बहुत पैसे हैं एंड डिफेंस में वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड भी है, लेकिन इसमें से काफ़ी सारी स्पॉन्सरशिप और फंडिंग इन प्रॉक्सी ग्रुप्स को ईरान भेजता है, और मिलिट्री टैक्टिक्स में और इक्विपमेंट्स में ईरान उतना ज़्यादा एडवांस्ड नहीं है। साथ ही साथ ईरान ने, अगर हम एडवांस्ड की बात करें, तो रशिया को यूक्रेन पे जब रशिया अटैक कर रहा था तो उनने शाहिद ड्रोन्स भेजे थे, दीज आर वेरी फेमस ड्रोन्स, शाहिद ड्रोन्स को ही यूज़ करके रशिया ने यूक्रेन पे अटैक किया था। ये फेमस क्यों है? क्योंकि ये 2000 किलोमीटर की रेंज तक जा सकते हैं और ये 24 आवर्स तक फ्लाई कर सकते हैं। ना सिर्फ ये, इतने दूर की रेंज के साथ साथ और इतने लंबे टाइम पीरियड के साथ साथ ये बहुत हैवी पेलोड भी उठा सकते हैं, विच इज़ मोर देन 300 kgs। तो दीज ड्रोन्स आर वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल ड्रोन्स इन द वर्ल्ड, जिसको रशिया ने यूज़ भी किया है और रशिया ने बोला है कि हम इन ड्रोन्स से सीख के खुद भी ये ड्रोन्स बना सकते हैं। तो ईरान अगर कल को वॉर में जाता है तो रशिया विल हैव टू प्रोवाइड दैट डिफेंस वाला सपोर्ट टू ईरान। बात अब ये अलग है कि रशिया के पास खुद के पास भी कुछ खास ज़्यादा सपोर्ट नहीं बचा है आफ्टर ऑलमोस्ट 2 आवर्स ऑफ वॉर विथ यूक्रेन। इसराइल की अगर हम बात करें, इसराइल इंजॉयज यूएस का सपोर्ट। ना सिर्फ ये, इसराइल की खुद की इंटेलिजेंस भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है, एंड जितना ज़्यादा ईरान पावरफुल नहीं है इन एयर स्ट्राइक्स, आसमान के राजा इसराइल कहलाता है, ईरान के पास उतना ज़्यादा पावरफुल एयरक्राफ्ट्स और ड्रोन्स नहीं है और इतनी हाई लेवल इंटेलिजेंस नहीं है जितनी कि इसराइल के पास है। एंड इसराइल हैव बीन नोन, काफ़ी सालों पहले जब वहाँ इसराइल के ओलंपिक प्लेयर्स के ऊपर अटैक हुआ था, तो इसराइल ने हॉस्टाइल टेरिटरी, दुश्मन कंट्री में अंदर जाके एयर स्ट्राइक करवाया था और किसी को कानों कान खबर भी नहीं लगी थी टिल द स्ट्राइक वॉज कम्प्लीट। तो एयर स्ट्राइक के महारथ और राजा हैं इसराइल, उतनी ज़्यादा हाई इंटेलिजेंस ईरान की नहीं है। तो अगर हम पॉपुलेशन के बेसिस पे देखें तो मे बी ईरान इज़ मोर पावरफुल, बट पॉपुलेशन डज नॉट डिसाइड कि कौन डिफेंस में कितना पावरफुल है। ऑलमोस्ट दोनों कंट्रीज टक्कर की हैं, इनफैक्ट ये बोला जा सकता है कि इसराइल ऊपर है। क्यों? क्योंकि अगर हम न्यूक्लियर वेपन्स की बात करें तो इसराइल ने ऑल्दो ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं किया है या एक्सेप्ट नहीं किया है कि दे आर न्यूक्लियर पावर्ड या न्यूक्लियर वेपन इक्विप्ड है वो, बट ऐसा वाइडली नोन है और माना जाता है कि दे डू हैव देयर ओन न्यूक्लियर वेपन्स। वहीं इट इज़ ऑल्सो वाइडली नोन कि इस तरीके के न्यूक्लियर वेपन्स अभी तक डेवलप्ड फॉर्म में ईरान के पास नहीं है। सो इफ़ द वॉर ब्रेक्स आउट, वी नो सुपर पावर किस तरीके से डिवाइडेड है। यूएस इज़ गोइंग टू सपोर्ट ईरान, वहीं इसराइल इज़ गोइंग टू हैव द सपोर्ट ऑफ रशिया। अब देखना यह है कि इंडिया किसको सपोर्ट करेगा, एंड वील कम अप विथ मोर फॉलो अप वीडियोज लाइक दिस। अगर आप फॉलो करना चाहते हैं, यू कैन फॉलो अस ऑन आर यूट्यूब चैनल विच इज़ यस अकेडमी फॉर लॉ, वहाँ पर आपको इस तरीके के और बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिल जाएंगे। थैंक यू ऑल फॉर जॉइनिंग मी टुडे सेशन, दिस इज विशिष्टा नायक साइनिंग ऑफ।